दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप फुली ऑटोमेटिक पार्टीज लेजर किस तरह से बना सकते हैं, या फिर एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट पर ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी एंट्री इस डे बुक वाली शीट में करूंगा ना, वो एंट्री अपने मुतलका लेजर में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें शहजाद अली की एंट्रीज है, ये शहजाद अली का लेजर बना हुआ है और शहजाद अली की तमाम एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है और इसका बैलेंस भी आ रहा है। लास्ट एंट्री यहाँ पर देखे 5 अप्रैल की है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एंट्री और कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ जी 6 अप्रैल की यहाँ पर एंट्री, 6 अप्रैल। ठीक है, शहजाद अली कैश रिसीट की कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ जी 6000। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस शीट पे जाऊंगा यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस भी 6000 रह गया है और जो 6 अप्रैल की एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और अगर आपने एक नया लेजर बनाना है, आपके पास कोई कस्टमर नया आ जाता है, आपके पास कोई पार्टी नई आ जाती है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस शीट को आपने कॉपी कर लेना है आगे। ठीक है, यहाँ पर आपने पार्टी का नेम लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी अली अहमद। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पार्टी का नाम चेंज कर देना अली अहमद। जैसे ही आप पार्टी का नाम चेंज करेंगे डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा उस पार्टी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने अली अहमद का नाम चेंज कर दिया है, अकाउंट जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन डाटा अभी शहजाद अली का शो है। तो सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी दूसरी शीट पर क्लिक करें, दोबारा यहाँ पर आएंगे तो आपको अली अहमद का डाटा मिल जाएगा और यहाँ पर बैलेंस भी आप देखें 5000 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कि एक्सेल में इस तरह से फुली ऑटोमेटिक पार्टी लेजर या फिर एक शीट से दूसरी शीट पर डाटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों मैं एक नई फाइल में आ चुका हूं, यहां पर मैंने सेम वही डाटा लिया। ठीक है, अब 3 से 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ आपने उनको फॉलो करना है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, कि आप सोचे कि शायद इस तरह डाटा ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसीजर होगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, आपने उन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, अपने डाटा को, जो अपना डाटा है उसको सेलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबलर फॉर्म में ले आना है। ठीक है, यानी ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो डिजाइन सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया, यानी जो हमारा डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, डाटा की हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी कर लेना इनको और दूसरी शीट पे आ जाना है, जहां पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वहां पर आ जाए और वहां पर आके आप क्या कर दे, हेडिंग्स को सिलेक्ट पेस्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद अपने कॉलम की विड्थ को आप डाटा के मुताबिक एडजस्ट कर रहे। ठीक है, पहले ताकि डाटा यहाँ पर सही तरह से शो हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जो कॉलम की विड्थ है उनको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अकाउंट वाली हेडिंग है इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस पार्टी का नाम लिखेंगे यहाँ पर इस वाले सेल में, उस पार्टी का यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना है, कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई बड़ा मैक्रो नहीं है, सिर्फ छोटा सा मैक्रो, आपने एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना है। आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 पार्टी है ना, 1000 कस्टमर्स है, आप उनके लेजर आसानी के साथ बना सकेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी खाली सेल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आना है डेवलपर टैब पे। डेवलपर टैब पे आने के बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने मैक्रो का नाम रख लें, जो भी रखना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मैक्रो 3 ही रखता हूं। इसको क्या करना है, आपने ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आपने एक्स्ट्रा क्लिक्स नहीं करनी, सिंपली आपने क्या करना है, डाटा टैब पे आना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, फिल्टर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पर एडवांस फिल्टर की। ठीक है, यहाँ पर आपने एडवांस फिल्टर पे आना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे करना है, यहाँ पर लिस्ट रेंज में क्लिक करके अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पर यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपने ये वाले जो 2 सेल जो हमने लिए थे जहां पर हमने नाम लिखना है इनको सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी टू में क्लिक करके आपने हेडिंग्स को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो डाटा हमारा इस डे बुक में होगा या फिर पहली शीट में होगा ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपने मैक्रो को स्टॉप करना है। यानी हमारा मैक्रो सिर्फ इतना था, यानी हमने एक दफा एडवांस फिल्टर को अप्लाई करना है और उसका मैक्रो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तीन स्टेप हो गए। अब अगर हम यहां पर नाम चेंज करेंगे ना, तो जो नाम हम लिखेंगे, जिस कस्टमर का नाम लिखेंगे, जिस पार्टी का नाम लिखेंगे, उसका डाटा यहां पर ऑटोमेटिक शो हो जाए। मैं यहां पर लिख देता हूं जी फरहान जमील, ठीक है। यहां पर देखिए अभी तक डाटा चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने मैक्रो को रन नहीं किया। मैं जाता हूं मैक्रोज में, मैक्रो 3 को रन कर देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे फरहान जमील का जो डाटा है वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कोई भी एंट्री करूंगा, जैसे मैं कर देता हूं जी फरहान जमील 4-6 फरहान बिल नंबर 111-10000, ठीक है, तो वो यहां पर आ जाएगी। हम क्या करेंगे, मैक्रो को रन करेंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे आपकी वो एंट्री यहां पर आ चुकी। हमने इसको भी ऑटोमेटिक करना है कि हमें बार बार जो है वो मैक्रो रन ना करना पड़े, बार बार हमें जो बटन जो है वो दबाना ना पड़े। ये भी मैं आपको बताता हूं वो आपने किस तरह से करना है। तो पहले हम बैलेंस निकाल देते, बैलेंस किस तरह से आएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं बैलेंस, ठीक है। यहां पर हम एक छोटा सा फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है जी, इक्वल दो ब्रैकेट्स आपने ओपन करनी है, यहां पर आपने सम का फार्मूला लगा लेना, ठीक है। पहले आप इस वाले कॉलम की रेंज को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद माइनस इसमें कर दें आप, दोबारा फिर सम का फार्मूला लगाएंगे, फिर आपने क्या करना है इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दें, यहां पर क्या आ जाएगा जी, इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे जो है वो तीन स्टेप्स हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक करना है। यानी जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करें, डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, हमें मैक्रो रन करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है जी, जो जिस शीट पर हमने जो लेजर तैयार किया है उस शीट पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ना जी व्यू कोड पे, ठीक है, व्यू कोड पे जब आप आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है जी, वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने एक्टिवेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना जी कॉल, और उसके बाद आपने मैक्रो का नाम लिख लेना है, मैक्रो 3, ठीक है। नीचे वाले को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सिंपली आपने क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ जी 6 अप्रैल में, यहाँ पर करता हूँ जी फरहान, यहाँ पर करता हूँ जी कैश रिसीव कितना जी 5000, ठीक है। तो अब देखें मैं जाता हूँ शीट 2 में, यहाँ पर देखें 6 अप्रैल की फरहान जमील कैश रिसीव की जो एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम करना है। इसके बाद अगर आपके पास 100 पार्टीज हैं, 100 कस्टमर्स हैं, 1000 कस्टमर्स हैं, उनके अगर आपने लेजर बनाने हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी शीट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां पर अकाउंट में आके उसका नाम चेंज करना है पार्टी का। तो मैं यहां पर करता हूं जी शहजाद अली, ठीक है। तो एक दफा जब आप नाम चेंज करेंगे यहां पर डाटा नहीं आएगा, आपने क्या करना है किसी दूसरी शीट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद दोबारा जब उस शीट पर आएंगे तो शहजाद अली का डाटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह जितने मर्जी पार्टी के जो लेजर हैं वो आसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।